आप यही लोकल की भी होकर आप यही रुकने वाली आप बता रही थी। यही रुकूंगी, जगह नहीं मिलेगा तो घर में भी हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सुख मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। 7 दिनों तक आप लोग यहाँ रुकेंगे। मेरा मन कहा कि कथा सुनने एक बार पंडाल में, टीवी में तो रोज सुनती थी। तो भोले बाबा में लेप लगाई और बोली कि हे भोले बाबा, मेरे भतीजे को ठीक करना और ठीक चलते हुए अस्पताल से आए। रुद्राक्ष का जल पिए तो आज और अभी मैं प्रमाण आपको दिखा सकता हूँ। अभी 24 तारीख के डेट में मैंने आज सोनोग्राफी कराया है, उसमें उनका रिपोर्ट नॉर्मल आया है। पशुपतिनाथ जो व्रत है बिल्कुल सक्सेस है और हमारे सारे कार्य हुए। हर उपाय कार्य करता है, अगर मन और श्रद्धा से अगर हम करें ना तो सब चीज सफल होता है। हमारा श्वास जो है वो शिव है और श्वास एक लोटा जल ही हमें शक्ति देता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800309161। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मंदनात् मृत्युमोक्षेमामृता। नमस्कार, मैं हूँ प्राची पांडे और स्वागत है आप सभी का तीरंदाज में। आज मेरी इस रिपोर्टिंग को इस तरीके से शुरू करने की खास वजह यह है कि अभी इस वक्त हम मौजूद हैं कथा पंडाल में। जी हाँ, ये वही कथा पंडाल है जहाँ कल पंडित प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं और कथा सुनाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ व भिलाई के लोगों को कथा सुनने का अवसर मिलने वाला है। फिलहाल पंडित जी आज यहाँ आए तो अभी आए नहीं हैं, लेकिन लोग आज कल से यहाँ पर पहले से ही आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर बाहर बाहर से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ पर कब से आए हुए हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आपको मैं एक बात ये भी बता दूँ कि यहाँ पर आने के लिए वैसे तो पास होना अनिवार्य है, लेकिन जो भक्त आज यहाँ आ चुके हैं या पहले से यहाँ आ चुके हैं वो ये दर्शाते हैं कि वो किसी पास के मोहताज नहीं हैं, वो तो केवल सेवा भाव से यहाँ आए हैं और भक्ति में लीन होने आए हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं। तो आइए पंडाल में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप और कब आए हैं? हम आज आइए हैं, दोपहर में आए हैं, नागपुर से आए हैं 12 बजे। कौन कौन आए आपके साथ? मैं और मेरी दीदी। दीदी आई है। हाँ। जैसे कि कल से कथा स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग क्या, कथा चलेगी 7 दिनों तक? 7 दिनों तक आप लोग यही रहेंगे? बिल्कुल, हम 7 दिनों तक के लिए आए हैं। कुछ ऐसी भी व्यवस्था की गई है बाहर से आने वाले लोगों के लिए कि आसपास में भवन और रुकने के लिए जगह निर्धारित की गई है, क्या ऐसी वजह है जो आप लोग यही रुकना चाहते हैं, क्या बताएं? हमें तो ये यही अच्छा लगता है पंडाल में, जैसे लगता है कि शिव का धाम है, कैलाश में आके हम लोग प्रवेश कर गए हैं, तो यहाँ से कहीं जाने का मन भी नहीं करता। एक बार ऐसा पंडाल में, ये हमारी दूसरी मतलब कथा है, तो मन तो बिल्कुल नहीं करता कि और अदरवाइज जाए। वैसे तो घर में भी हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सुख मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए हमारा मन यही लगा रहता है 7 दिनों तक। जी, आप भी साथ में ही हैं? जी, मैं बिलासपुर से आई हूँ। बिलासपुर जी, आपके साथ कौन कौन है? मैं अकेली आई हूँ। आप अकेले आए? जी। आप अकेले इतने दूर से आ गए हैं और 7 दिन यहाँ रुकने के लिए तैयार हैं, क्या लगता है आपको? जैसे मौसम भी बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं क्या आपको साथ देगा मौसम? कहीं ना कहीं एक चिंता भी होती होगी कि इतने दूर से हम आए हैं, 7 दिन यहाँ रुकने वाले हैं, खाना पीना, क्या आपकी सोच है इसके पीछे? हम भोले बाबा के भरोसे आए हैं, वही सब करेंगे हमारा, और हमको भरोसा है कि यहाँ पर हम लोग सुरक्षित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, पंडित जी जो हैं वो अपने कथा के दौरान लोगों को बहुत से उपाय बताते हैं समस्या जिससे सॉल्व हो जाती है, और लोग वो उपाय करते भी हैं। क्या ऐसा कोई उपाय आप भी करती हैं, या कोई व्रत, या ऐसी कोई आपकी मान्यता, या आपके आंखों देखा कुछ ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात? ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उपाय से ज्यादा, वो एक लोटा जल बोलते हैं ना, हम उस पर ज्यादा विश्वास है। उपाय तो उतना ऐसा कुछ नहीं करते, हाँ उपास जरूर किए हैं पशुपति। आपको क्या बोल, वैसा नहीं बोल रहे हैं, जो किया है अपने, अपना जो है ना विश्वास वो बता रहे हैं ना, आप मेरे रहे ना आपको। हाँ, एक लोटा जल मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कर पाए तो एक लोटा जल ही चढ़ा दें, उस पर ही बहुत बड़ा विश्वास, और उससे बहुत कुछ पूरा भी हो रहा है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आके 7 दिन तक का कथा सुनते हैं। अगर एक कुछ गलती से कुछ हो गया तो उसका दुष्परिणाम भी तो होता है ना, इसलिए उपाय से ज्यादा जल है। एक लोटा जल कुछ नहीं तो एक लोटा जल ही आप चढ़ाएंगे। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं?
हम तो भिलाई के यहीं के हैं जी, लोकल है यहीं के, पर विश्वास है, विश्वास बेलपत्ती, शहद की बेलपत्ती से विश्वासों के काम सफल हुआ है, तो इसलिए पंडाल देखने अभी आए हैं और कथा के लिए भी आएंगे जी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो बताते हैं ना, उनसे काम सफल होता है जी। क्या यहाँ पे भिलाई जो है पूरे इंडिया की मतलब फेमस है, यहाँ पे इस्पात का कारखाना है, ये समृद्धि का एक प्रतीक है। यहाँ पे यदि कहीं कथा हो रही है, यहाँ चारों तरफ के लोग रहते हैं, पूरे इंडिया के, तो सारे लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, सबके मन में एक भावना जागृत होती है जी। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि भिलाई मिनी इंडिया है, हर प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, तो जाहिर सी बात है हर जगह से लोग यहाँ आएंगे ही। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं रिसाली सेक्टर भिलाई से। भिलाई से ही आप यही लोकल की भी होकर आप यहीं रुकने वाली, आप बता रही थी, क्या वजह है कि आपकी घर, आपका घर तो यहीं है, फिर भी आप यहीं रुकना चाह रही हैं? यहीं रुकूंगी, जगह नहीं मिलेगा तो प्रदीप मिश्रा का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, नजदीक में रहेंगे तो अच्छे से दर्शन कर पाएंगे जी। हर कोई यहाँ पर रुकना चाहता है, चाहे वो कहीं बाहर से हो, चाहे वो भिलाई का ही क्यों ना हो। तो आइए चलते हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ रुकने की क्या वजह है उनकी। पंडाल से गुजरते वक्त हमने दादी अम्मा को देखा जो कुछ पढ़ रही थी, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। जी आप कहाँ से आई हैं और आप क्या पढ़ रही हैं? मैं बिजरी से आई हूँ, अनूपपुर जिला से, और पशुपति व्रत कथा पढ़ रही हूँ। अच्छा, इतने दूर से आप अकेले आए हैं, कितने साल की आप, क्या उम्र है आपकी? 75 साल उम्र है जी। मेरा मन कहा कि कथा सुनने एक बार पंडाल में, टीवी में तो रोज सुनती थी जी, है ना। तो आप अकेले आई हैं? अकेले आई जी। जैसे 7 दिन पंडाल में कथा चलने वाली है, हाँ। तो आप क्या 7 दिन आप यहीं रुकेंगी? हाँ यहीं रुकूंगी जी। जैसे कि आप इतने दूर से आई होंगी, अकेले आई होंगी, कहीं ना कहीं घर वालों को चिंता होगी कि आप 7 दिन के लिए बाहर जा रही हैं। फोन से बात होता है, फोन से बातचीत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शिव जी का आप मानती होंगी कि आशीर्वाद होगा कि आप यहाँ रह लेंगी, कुछ होगा? रह लूंगी, शिव जी चाहेंगे काहे नहीं रहेंगे, उनका कथा है, हमको क्या हो सकता है, कुछ नहीं। मैं बीमार थी फिर भी चल दी। जी आप बता रही है कि आप बीमार थी फिर भी आप यहाँ कथा सुनने आई हैं। भोलेनाथ जिसको रख सकता है कौन क्या बिगाड़ेगा जी। कहाँ से आई हैं आप? महासमुंद। महासमुंद से आप आई हैं और आप भी यहाँ पर 7 दिन होने वाले इस कथा में आप यही पंडाल में रुकेंगी? पंडाल में रुकेंगी जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इसे जो प्रदीप मिश्रा पंडित जी हैं वो अपने कथा में बहुत से उपाय बताते हैं कि आप ये करें सफल होगा या बहुत सी समस्याएं उससे सॉल्व हो जाएगी, क्या आपकी भी ऐसी कोई समस्या या ऐसा कोई उपाय आपने भी किया है? मतलब आज से मतलब 2 साल पहले की बात है, हमारे मेरे देवर का बेटा है उसका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत भयानक, वो चल नहीं पा रहा था, पूरा शरीर लुज हो गया था वो। उसके बाद ना मैं क्या करी, उस समय पूजा करती थी भोले बाबा का, तो महाराज जी जो बताए थे ना चंदन का लेप लगाओ, लाल चंदन का, तो भोले बाबा में मैं लेप लगाई और बोली कि हे भोले बाबा मेरे भतीजे को ठीक करना, और ठीक चलते हुए अस्पताल से आए और 1,25,000 मंत्र का जाप की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और लड़का ठीक हो गया, और इससे बढ़कर और कोई चमत्कार नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय वाकई कार्य करते हैं? बिल्कुल, पूरा हर उपाय कार्य करता है, अगर मन और श्रद्धा से अगर हम करें ना तो सब चीज सफल होता है जी। कहाँ से आए हैं आप? बालाघाट से आए। बालाघाट से? इतने दूर से आप जब यहाँ आए होंगे गर्मी के दिनों में, तो आपको यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली, क्या यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी या क्या क्या आपने व्यवस्था देखी? पानी की व्यवस्था थी, पानी की बोरी बांटे है, बिस्किट वगैरह बांटे है, और भोजन भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, आए तो भोजन वगैरह सब प्राप्त हुआ है, और बढ़िया जगहों के भी अच्छी मिल गई हमको, आज ही आए हम लोग। मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है जी। 7 दिनों तक आप लोग यहाँ रुकेंगे, हाँ। है ना, गर्मी का दिन है, मौसम भी बिगड़ रहा है, क्या लगता है आपको भोले बाबा की कितनी कृपा रहेगी, कैसी आस्था के साथ आप यहाँ हैं? भोले बाबा की तो पूरी कृपा है हमारे पे, और पूरी आस्था है, वही है सब कुछ संभालने वाले, बस उन्हीं के भरोसे आए हैं बाबा, ये सब कुछ संभालने वाले, कथा हम दिल से सुनेंगे क्योंकि हमारी बहुत इच्छा थी पंडाल में बैठ के कथा सुनने की, तो आज भोले बाबा ने हमको रास्ता दिखा दिया और सुरक्षित पंडाल में पहुँचा दिए, और 7 दिन तक के उन्हीं के हमारे पे छत्र छाया बनी रहेगी, और 7 दिन तक अच्छी कथा सुन लेंगे,
हमारे जो मनोकामना है पूरी बाबा पूरी कर देंगे। मतलब आप यहाँ जैसे आप बोल रही है कि मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी, कहीं ना कहीं आप किसी मनोकामना के साथ यहाँ आई हैं? यानी आस्था, आस्था हमारी इच्छा थी कि हम पंडाल में बैठ के कथा सुनेंगे। हाँ, इसलिए। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं लोगों की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ आस्था होती है, कुछ मन्नतें होती हैं, पंडित जी उनको उपाय भी बताते हैं, क्या ऐसा कोई आपने कभी उपाय किया या कोई इच्छा है आपकी? नहीं, अभी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमको यही इच्छा थी कि बस हमको एक बार पंडाल में कथा बैठ के सुनने मिली, क्योंकि हम सुयोर जाना चाहते तो पब्लिक बहुत थी, इसलिए हम जा नहीं पाए, इसलिए हमको इच्छा थी। और फिर हमको यानी मौका मिला है तो हम बोले ये मौका गवाते नहीं, इसलिए मैं आप सुन। मतलब फिलहाल तो आप कुछ मांगने नहीं आई है, सिर्फ भक्ति में लीन है? बस भक्ति में लीन है, बस हमारे भक्ति बनी रहे भगवान के उसमें, बस ये चीज हमारी आस्था यही है बाबा से कि उनकी दुआ हमारे पे बनी रहे। शंभु शरणे पड़ू मांगो घड़ी रे घड़ी, शंभु शरणे पड़ू मांगो घड़ी रे घड़ी, लख तारो दया करी दर्शन आयो, दया करी दर्शन आयो। तो आइए कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी आप कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई तीन से आया हूँ। भिलाई तीन से आप आए हैं, कौन कौन आपके साथ आए हैं? मेरी धर्मपत्नी है, मेरे डेकाले साहब हैं, मेरी सासू माँ हैं और चाले की बच्ची। मतलब लगभग पूरे परिवार के साथ आप यहाँ आए हैं? जी। क्या कारण है जो इतने लोग आज यहाँ पंडाल में आए हैं? मेरी श्रीमती जी का कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था, पहले तो ऑपरेशन होगा बोले, उसके बाद सोनोग्राफी कराए पहले तो मैडम बोलती ऑपरेशन होगा। हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भोलेनाथ की नियमित सेवा की, रोज बाबा के पास जाके रुद्राक्ष का जल पिए। तो आज और अभी मैं प्रमाण आपको दिखा सकता हूँ, ये 24 तारीख के डेट में मैंने आज सोनोग्राफी कराया है, उसमें उनका रिपोर्ट नॉर्मल आया है। ये बाबा की ही कृपा है और भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। पंडित जी जो उपाय बताते हैं वो कारगर है? हाँ, बिल्कुल। मैं सीहोर भी होके आया हूँ, 24 तारीख आज का डेट है, आज सोनोग्राफी कराया हूँ और आज ही बाबा ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। मैं आज पिछले 3 घंटा से मैं पंडाल में घूम रहा हूँ और जो मेरे से अच्छा लगा बिस्किट अगर खिला दूँ करके बिस्किट खिलाया हूँ और कुछ नहीं, बस वही। श्री शिवाय नमस्ते जी। बहुत से लोग उपाय भी करते हैं और पंडित जी का ये कहना है कुछ नहीं तो आप लोग एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, इस चीज को आप कितना मानते हैं? 101%, क्योंकि हमारा श्वास जो है वो शिव है, हमारा श्वास जो है वो शिव है और श्वास एक लोटा जल ही हमें शक्ति देता है, ये सत्य है, सत्य सनातन है, ये वही है, वही बात। आपकी क्या मान्यताएं हैं, जो उपाय बताए जाते हैं उसमें आपका कैसा विश्वास है? पूर्ण रूप से पूरा विश्वास है, पशुपतिनाथ जो व्रत है बिल्कुल सक्सेस है और हमारे सारे कार्य हो गए। पैर मेरा एकदम काला हो गया था, अभी बहुत कुछ ठीक हो गया है जी। आपके पैर में समस्या थी वो भी ठीक हो गई है, क्या उपाय कर रही हैं आप और आपका क्या विश्वास है? बेल पत्ता ले रही हूँ जल चढ़ा के और ठीक है जी। रोज मंदिर जाती हूँ, उपाय तो बहुत कारगर है, बेल पत्ता लेती हूँ और जल चढ़ा जी। मतलब ज्यादा कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन निकालना है, सिर्फ बेल पत्ता या जल भी चढ़ा के 10 मिनट जाते हैं बस और अपना जल चढ़ा के टीका लगा के बेल पत्ती लेके आ जाते हैं, जल ले लेते हैं, घर में भी लाख छिट देते हैं, बेल पत्ती ले लेते हैं। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना, एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।